नमस्कार साथियों, जिस प्रकार से आप कल से सोशल मीडिया पर एक घटना के बारे में आप देख रहे हैं, उदयपुरौटी विधानसभा की मणकसास ग्राम पंचायत पर उसका राजस्व गांव खो है, वहां आप मैन जो सड़क थी वहां किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और फिर वो घर के अंदर घुस जाती है, वहां एक व्यक्ति की ट्रेजिडी भी हो जाती है। ऐसी घटना कल थी और आज उस घर में मैं पहुंचा हूं जहां कल वो घटना घटित हुई थी। पूरे मामले की तहकीकात करेंगे, जानकारी लेंगे कि क्या घटना घटित हुई थी, क्या मामला था। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक बोलेरो गाड़ी थी और उन्होंने टक्कर मारी थी, लेकिन पूरे मामले के बारे में आपको अवगत कराते हैं। इस वक्त मैं खो में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देखेंगे कि एक बार तो मैं आपको दिखाना चाहूँ कि जो मेन रोड है, ये मेन रोड है, इधर गुड़ा जाती है और इस साइड हम बात करें तो मणकसास से रोड आती है और इस रोड के जस्ट पास ये मकान है। और कल जो गाड़ी थी वो आप यहाँ की लोकेशन देख रहे थे, यहाँ पे वो गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद में यहाँ पे आ गई थी, जो कल हमने वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था। पूरे घटनाक्रम के बारे में बातचीत करेंगे, कब की घटना, कितने बजे की घटना है, यहाँ जो उनके कल जो भाई जिनकी डेथ हो गई थी उनके परिजन हैं, काफ़ी लोग हैं, बैठक चल रही है, एक बार इनसे बातचीत करेंगे। के मामलों हो, कितनी बजे की घटना है, के मामलों बताओ, देख पा रहे होंगे, देखो कितने खून पड़े और जो उनकी गाड़ी इतनी और स्पीड थी, उनका पेट फट गया था, पेट सर फट गया और गाड़ी और स्पीड हम पोल तोड़ती हुई उस घर में, हमारे घर में जाके टकरा के फिर रुकी है गाड़ी। अच्छा, गाड़ी इधर से आ रही थी, हाँ। कितने लोग थे गाड़ी में? लगभग 6 से 7 लोग थे। 6 से 7 लोग, हाँ। सभी ने शराब पी रहे? बिल्कुल, सब सब नशे में धुत थे। 4 बजे की घटना बताया? 4:30 बजे के। 4:30 बजे की। आपके भैया कोई अपने काम से खड़े थे? भैया हमारी माँ के साथ यहाँ बात कर रहे थे आराम से जी, वो इंतजार में खड़े थे कि खेत में जा रहे थे, वो माँ को बोल रहे थे कि खेत में चलना है, तो बस आपस में बात कर रहे थे, वो इधर ध्यान था ना, अचानक गाड़ी ने टक्कर मार दी। इधर मुंह करके बात इधर कर रहे थे माँ से और गाड़ी इधर से, पीछे से गाड़ी आई। अच्छा, फिर गाड़ी यहाँ से हम बात करें तो जहाँ बैठा कर रहे हो वहाँ वो गाड़ी? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ चले, वहाँ जाके रुकी। अच्छा, फिर उस गाड़ी में कितने आदमी थे उस वक्त? 5-7 लोग। 6 से 7 लोग उस टाइम। तो फिर 6 से 7 लोग थे, फिर गाड़ी वहाँ जाके रुकी? हाँ, वहाँ जाके रुकी, वो भी पोल में फंसने के कारण रुकी। फिर सभी लोग, पोल कहाँ टूटा, मतलब यहाँ से वो गाड़ी गई है, इधर से वो गाड़ी गई है, हाँ। इधर इस पेड़ की नहीं टकराई, लेकिन इधर ये हम बात करें तो इस पोल के यहाँ पे टकराई। देख पा रहे होंगे वो, देखो पोल के कितने टुकड़े हुए हैं, देखो आप जी, वो पोल वो साइड में पड़ा। अच्छा, वो पोल यहाँ पे था? वो यहाँ पे था, ये पोल नया लगा अभी जी, आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, ये पोल भी मौके पे टूट गया, इसके बीच ये नया लगाया अभी, वो आप उधर देखो ना, आप कितने टुकड़े हुए हैं, इस बार दिखाइएगा। अच्छा, वो पोल टूट गया था मौके जी पे। जी, और इसको टक्कर मारते हुए गाड़ी वहाँ से, हाँ, उस पोल को भी वहाँ पे घसेट के लगी थी, वहाँ पे जाके फंस गया फिर गेट में, वहाँ तो यहाँ पे कोई था नहीं क्या? नहीं, यहाँ पे था नहीं, अगर वहाँ भी कोई होता तो बड़ा हादसा, वहाँ बिल्कुल साहब हो ही सकता था, कोई दौरा नहीं है। उस वक्त हम बात करें तो गाड़ी में कितने आदमी थे? लगभग 6 से 7 लोग थे जो नशे में धुत थे, और यहाँ भाई साहब को सारी भीड़ जो थी वो भाई साहब को उठाने में लग गई और वो उतर उतर के फरार हो गए। अच्छा, सब लोग उधर जो भाई साहब के साथ ऐसे। अच्छा, तो भाई साहब के कितने क्या चोटें आई थी उस वक्त? बहुत ज्यादा चोट आई थी साहब। अच्छा, ठीक थे यहाँ पे वो? नहीं, मतलब बेचैत से थे, बोल रहे थे कुछ थोड़ा बहुत कुछ, बाकी बेचैत ही थे उनके, बहुत ज्यादा गंभीर चोट लगी थी। अच्छा, हाँ, लेकिन सब लोग उनको प्रयास में लग गए थे भी इनको हॉस्पिटल पहुंचाना है, और वो लोग गाड़ी भाग गए थे, वो निकल निकल के, अब गाड़ी लगी गई थी फिर? नहीं नहीं, गाड़ी तो फंस गई ना यहाँ पे, गाड़ी फंस गई, हाँ, वो पैदल ही निकल निकल के इन झाड़ियों में जाके छुप के भाग गए पीछे से। अच्छा, इधर किधर चले गए, वो तो जाहिर सी बात है ना, पता नहीं चला कहाँ, जब इतना वो गंभीर हो गए तो हम तो उनके लगेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो पता नहीं चला कि भाई किधर के थे वो लोग, वो यहीं के गुजरों के लड़के बता रहे हैं, उनका कोई आपसी विवाद था, उस विवाद में उनका झगड़ा भी, मनमोटाव भी हुआ बताई, उनमें लड़ाई भी हुई बताई, पीछे वो लड़ाई करके आए, लड़ाई करके आए थे वो, मतलब पीछे जो लड़ाई हुई थी उनमें पता नहीं उनके ज्यादा आप वो ज्यादा लोग हो गए शायद, ज्यादा मारपिटाई इन्होंने करी या पता नहीं उनका ज्यादा मैटर क्या था हमारे को, लेकिन वो उसको उससे बचने के लिए जो थे वो बहुत तेज गाड़ी से भगा के ये घटना करी उन्होंने। जी जी, तो मतलब अगर उस वक्त यहाँ पे कोई और भी मौजूद होता, यहाँ पे भी कोई होता तो और भी बड़ी घटना, बिल्कुल साहब, और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, तो वो मौका पर खत्म होगा क्या? नहीं नहीं, मौका पर नहीं हुआ, नीम का थाना जाके हुआ है। नीम का थाना? नीम का थाना। अच्छा, बैठा तक सही है? हाँ, नीम का थाना, नीम का थाना तक कुछ बोलते हुए गया, थोड़ा बहुत बोल रहे थे, बोल रहे थे, बाकी इतना ज्यादा चेत में नहीं थे, थोड़ा बहुत कुछ था हलचल, बाकी ज्यादा कुछ था नहीं। कितनी की उम्र थी सर? थी 45 से 50 के बीच। बच्चे भी थे? दो लड़के, दो लड़के, छोटे लड़के, छोटे 20-22 साल के लड़के। अच्छा, फिर वो गाड़ी यहाँ पे थी तो फिर गाड़ी अभी कहाँ गई? पुलिस वाले ले गए सर। उसका कितना क्या नुकसान हुआ गाड़ी का? गाड़ी वाले का आगे से ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, ग्लास वगैरह टूटा है,
थोड़ा बहुत मोचा है, बम्पर टूटा है, वो ज्यादा नुकसान उसका हुआ नहीं, उसका नहीं हुआ। हाँ अच्छा, तो अभी आपने FIR वगैरह दर्ज किया? सर अभी भाई साहब बड़े लोग अभी गए हुए हैं FIR के लिए। तो अभी मतलब क्या मांग करते हैं आप? सर हम तो उचित जो भी न्याय देख चाहते हैं कि जो भी अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब इनको जो भी उचित न्याय मिले वो उसी के वो करते हैं, गुहार करते हैं हम। वो भाई भी है और कल यहाँ पे चश्म दीद बताए जा रहे हैं, और यहाँ पे जो वो बोलेरो है वो गाड़ी यहाँ पे आके रुकी थी, और देखिए लगभग 30 से 40 फीट की दूरी है, 30 से 40 फीट की आप ये देख रहे हैं इस गाड़ी की यहाँ पे, मतलब वो यहाँ पे रुकी है और आगे भी जगह जगह है, और वहाँ पे जाकर वो गाड़ी रुकी है जैसा कि ये बता रहे हैं। लेकिन जहाँ मैं बात करूँ जिस भाई को वहाँ टक्कर मारी है पीछे मैं बात करूँ, तो लगभग यहाँ से 30 से 40 फीट की वो दूरी है, वहाँ उसको टक्कर मारा जाता है। उसके बाद पेड़ भी है, वो पेड़ उनके संपर्क में नहीं आया, वरना वहाँ भी वो गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती थी, उस गाड़ी में जो लोग बैठे थे उनका भी नुकसान हो सकता था। उसके बाद ये जो पोल है, इस पोल को वो चिढ़ती हुई गाड़ी और यहाँ आकर रुकती है। यानी मत मानिए कि यहाँ भी इस परिवार के जो लोग हैं वो बाहर नहीं होंगे। आप देख भी पा रहे होंगे एक जो लड़का है वो तो बिल्कुल विकलांग है, मतलब भाई खत्म हो गया उनका। बिल्कुल मतलब दो, वो जो एक बड़े भाई साहब थे हमारे वो पहले डेथ हो गए थे उनकी, उनके एक लड़का है वो ही लालन पालन जो संभालते थे वही संभालते थे। दो बच्चे उनके खुद के हैं, एक बड़े भाई साहब का है वो भी उनके हवाले था, अब वो तीनों में दिक्कत में है, अब वो बिल्कुल ही कमाने वाले चले गए। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये भी गणित मानिए कि यहाँ आस पास में यहाँ भी कोई थे नहीं, अगर यहाँ भी कोई होता तो गाड़ी इतनी रफ्तार से आई थी तो यहाँ भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। एक भाई और है वो भी यहाँ पे थे, उनसे भी बातचीत करेंगे। मतलब कल जो घटना हुई थी सामने खड़े सामने कर अपना। अच्छा आपने मतलब आंखों देखी, आंखों से देखा इस पूरे माजरे को? अच्छा किधर से गाड़ी आ रही? गाड़ी गुड़ा की साइड से आ रही। अरे गाड़ी स्पीड से आ रही तो बठे मोटरसाइकिल खड़ी दो तीन बठे कक्षा बांग टक्कर मार के, अरे इन पोल ने तोड़ के गाड़ी हथियार खड़ी हुई। अच्छा अरे वो तार है ना, तार पूरा लाइन नीचे पड़ गया, ठेबी छोरा खड़े दो तीन एक बाघ तो कोई गला की कोने। फिर भी एक्सीडेंट होता मैं तो अन पकड़े कौन छोरा बाघर बठिन चल गया वन। अच्छा पहले उनको बचाने के लिए भी उनको? हाँ बठिन चल गया, फिर मैं तो छोरा तो पकड़े को नहीं वन गाड़ी में लेर नहीं उनको थाना चल गया। कहाँ की है वो गाड़ी भी पता नहीं चला, गाँव की है गाड़ी, गाँव की गाड़ी। हाँ वो तो गाड़ी का घटनाक्रम के बारे में पता नहीं चला क्यों आ रहे थे वो इतने तेज, क्या मामला था, कुछ जानकारी मिली नहीं है? सुनबा में आ रही है कि भाई कोई लड़ाई झगड़ो कर आया। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे सब ने साम हारी स्पीड से गाड़ी भागेड़ी वहाँ। अच्छा अरे इसलिए इतनी दूर आई है वहाँ, अरे फिर वे गाड़ी में उतरे हैं उतर भागे हैं। अच्छा रुकी कोई वो नहीं? कोई नहीं रुकी। हाँ और बाद में तो अठा निकल गया नहीं पूछना। अच्छा अभी आपने पुलिस में भी मामला दर्ज करवाया है, क्या मांग रखी है? क्या अब गए हैं FIR दर्ज करने के लिए, कल CI साहब से बात हुई थी, वो पंचनामा करवा के सुबह पोस्टमार्टम करवा के लेके आए थे। जी तो देखिए एक्सीडेंट करने वाले थे ना, उनके परिवार में या उनमें अभी तक यहाँ पे तो कोई आया भी नहीं, कोई नहीं आया। इसी गांव के हैं, उनके परिवार से मतलब कोई भी नहीं आया अभी तक, मिलने के लिए भी नहीं आए वो, बैठने के लिए भी नहीं है अभी तक। कितनी उम्र थी उन भाई साहब की? जो उनकी 50 के लमसम थी। 50 के लमसम। तो देखिए पूरे घटनाक्रम के बारे में आपने सुना है, ये भाई कल चश्म दिए थे सामने यहाँ पे खड़े थे, जब गाड़ी यहाँ से आई गुड़ा की साइड से बोलेरो गाड़ी थी वो आई थी, उसमें 5-6 लोग बताए जा रहे हैं, और रफ्तार से वो आई और यहाँ से 30 फीट की दूरी पे जैसा मैंने अभी पहले दिखाया था घटनाक्रम, वहां पे वो भाई साहब खड़े थे और उनको टक्कर मारी, और फिर आए आगे आए, फिर आगे खंबा था, खंबे के भी टक्कर मारी है, और फिर आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ आकर वो गाड़ी रुक जाती है, और फिर यहाँ रुकने के बाद इस गाड़ी में जो व्यक्ति थे वो गाड़ी से निकलकर भाग के चले जाते हैं, और ये लोग उस भाई को बचाने के लिए उधर चले जाते हैं। ये पूरा घटनाक्रम था, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में मैं बात करूँ तो अगर उनके सामने यहाँ कोई भी होता तो कल कोई भी और भी बड़ी घटना हो सकती थी, यहाँ भी लोग यहाँ अंदर रहते हैं, अगर वो भी बाहर होते तो वो भी उनके चपेट में आ जाते हैं।